हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी बज रही है रात के 12 और आज लक्ष्मी पूजा है, तो आप सब लोगों को हैप्पी दिवाली और लक्ष्मी पूजा की भी बहुत सारी बधाइयाँ। और मैं 12 बजे व्लॉग इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आज है मेरे हस्बैंड का बर्थ, तो मैंने उनके लिए मंगाया है केक, तो बस उनसे केक कटवाने वाले हैं। मेरे हस्बैंड आज बहुत थक चुके थे तो वो एक बार सो चुके हैं, बस उन्हें उठाते हैं और केक कटवाते हैं। तो पहले केक जाकर मैं उस रूम में रख देती हूँ। साथ में मेरे हस्बैंड जी जो कि अभी सो के उठे हुए हैं, ये है उनका केक जो कि मैं ऑनलाइन मंगाई, तो देखो यहाँ से थोड़ा सा खराब हो गया, बट कोई नहीं, सामने से दिखा देती हूँ। तो ये कुछ इस तरीके का है। विश कर दो हैप्पी बर्थडे चीनी, थैंक यू तो बोलो। थैंक यू ऐसा कौन बोलता है। जल्दी से फेस वॉश कर लेती हूँ, केक फ्रिज पे रख देती हूँ और बाकी तो कल सेलिब्रेट करेंगे हम। वैसे भी लक्ष्मी पूजा है तो इस बार सेलिब्रेट तो ज़्यादा नहीं हो पाएगा क्योंकि घर पे रहना पड़ेगा। और हमने खाना भी आज बाहर से मंगाया था, तो हमने मंगाया था पनीर की सब्जी, दाल तड़का, तंदूरी रोटी और राइस मैंने घर पे बनाया था, जीरा राइस। वो घर वाली पार्टी तो हमारी हो ही गई है। रात में तो हम केक कट कर ही लेते हैं हर साल, बट जब मॉर्निंग होती है तो मॉर्निंग में भगवान की पूजा करने के बाद मैं अपने हस्बैंड की हर साल आरती उतारती हूँ, उनका तिलक करती हूँ, उनको मिठाई खिलाती हूँ। तो बर्थडे वाले दिन कुछ इस तरीके से हमारे दिन की शुरुआत होती है। मैंने अपने हस्बैंड को इस बार हुडी गिफ्ट करी है जो कि मैंने आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर दिया है, और रिटर्न गिफ्ट के तौर पे मुझे मिला 501 रुपए। वाओ, वाओ, उसके बाद तैयारी करने लगी मैं चूड़ा बनाने की। लक्ष्मी पूजा वाले दिन हमारे छत्तीसगढ़ में जो हमारा आंगन होता है उसको गोबर से लीपा जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। और लीपने के बाद हम उस पर रंगोली बनाते हैं। दिवाली के दिन मैं कुछ इस तरीके से तैयार हुई थी। तो गाइज, हमने तो दिवाली बहुत अच्छे से मनाई, आई होप कि आप सब ने भी दिवाली अपने अपने घरों पर बहुत ही अच्छे से मनाई होगी। यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के साथ फ़ोटो और कुछ वीडियोस बना रही थी, और आप देख सकते हो कि मेरे हस्बैंड कुछ इस तरीके से मुझे परेशान करते हैं वीडियो बनाते हुए। और मैंने लक्ष्मी पूजा वाले दिन अपने घर में कौन सी रंगोली बनाई थी ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो गाइस, ये वाली रंगोली मैंने नीचे आंगन में बनाई थी। रंगोली में मैंने माता जी के पैर भी बनाए हुए हैं, और ये हैप्पी दिवाली वाली छोटी सी रंगोली मैंने अपने गैलरी पे बनाई हुई थी।
आई होप गाइस कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो. अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ रिचेस मेरा ब्लॉग्स. बाय गाइस.